नमस्कार, मेरा नाम अंकुर वाजपेयी है और आप देख रहे हैं द जर्नलिस्ट। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के दौर में स्थिति बेकाबू होती जा रही है। संक्रमण के आंकड़े, आरोप प्रत्यारोप बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं। सरकारें फेल हो रही हैं, व्यवस्थाएं लाचार और जनता बेबस नजर आ रही है। वहीं राहत के तमाम दावे भी कागजी हैं। सरकार, नेता, विपक्ष सभी अपना अपना सुर अलाप रहे हैं। सभी के बीच हकीकत क्या है, यह एक बड़ा सवाल है। इसी कड़ी में सच जानने के लिए हम महाराष्ट्र के निवासी पंकज से बात करेंगे, क्योंकि सच वही बताएगा जिस पर दुर्व्यवस्थाओं की त्रासदी बीत रही हो। पंकज जी, हमारा पहला सवाल ये है, मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि महाराष्ट्र की हालत बहुत ही खराब है। आज हमने कुछ सवाल भी तैयार किए हैं और हमारे साथ इस समय पंकज महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं। पंकज जी, हमें कुछ सवालों के जवाब दीजिए। वहाँ के मीडिया रिपोर्ट के माने कि महाराष्ट्र की हालत बहुत ख़राब है और कल ट्विटर पर ट्रेंड भी चल रहा था कि महाराष्ट्र मोदी फॉर महाराष्ट्र है, आप इससे कितना सहमत हैं? इस समय जो परिस्थिति चल रही है महाराष्ट्र क्या, पूरे भारत में सब जगह परिस्थिति ख़राब है। इस समय जो भी जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष भी है, सबको ये सब राजनीति छोड़ के साथ में मिलकर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई में जिस तरह से आप देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसको भी सॉल्व करना दोनों पक्ष की जिम्मेदारी है इस समय पे। और ये नहीं है कि उधर सरकार ने काम नहीं किया, काम वो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि यहाँ पे लोग ज़्यादा हैं और जो रहने की जो सुविधा है वो कम पड़ जा रही हैं, उस हिसाब से समस्या जो हो रही है। तो दोनों सरकार को इस समय ऐसा है कि मिल के करना चाहिए, यानी कि केंद्र सरकार को और जो राज्य सरकार है दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। अच्छा, दूसरा सवाल है पंकज जी, एक सरकारी सहायता की बात जो की जा रही है महाराष्ट्र में, आप देख रहे होंगे कि जो वहाँ के मजदूर हैं पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, आखिर उसका रीज़न क्या है? सरकारी सहायता की बात की जा रही है, क्या वाकई सरकारी सहायता दी जा रही है या फिर वो सब कागजी दावे हैं? एक तरह के सरकारी सहायता सब लोगों को तो नहीं मिल पा रहा है, मिल रहा है कुछ जगह मिल रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो जनसंख्या मुंबई में है उसको मिल पाना भी बहुत कठिन काम है यहाँ पे, क्योंकि लोगों की जो आवाजाही है यहाँ पे ज़्यादा है। और मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो देखे जाएगा जो बस्तियाँ हैं, जैसे मान लीजिए धारावी हो गया, बांद्रा साइड में जो झोपड़ियाँ है वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, एक 10x10 के रूम में 10-12 लोग रह रहे हैं, एक सार्वजनिक बाथरूम यूज़ कर रहे हैं, तो उससे संक्रमण का जो परसेंटेज है और ज़्यादा इससे हो रहा है, इसको रोकथाम करने में भी। अच्छा नहीं, एक सवाल ये हमने पूछा था कि क्या वाकई मतलब जो सरकार है, जो राशन कार्ड पे देने का दावा किया गया था कि हर पर्सन को 5 किलो मतलब चावल जो है वो फ्री मतलब वितरण करेगी, तो ये दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा? इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हो पाया है। कई जगह दुकानों से ऐसा है कि अभी तक वहाँ पे पहुँचा नहीं है, तो कई लोगों को बोला गया था, जैसे कि जिसको राशन कार्ड भी है, जिसका नहीं भी है उनका आधार कार्ड पे उनको दिया जाएगा, बट यह दिख नहीं रहा है कहीं पे। लोग ऐसे हैं जिनको खाए बिना यहाँ पे रास्ते पे लोग दिख रहे हैं, उनको मिल नहीं पा रहा है, जाने पे दुकान वाले बोलते हैं कि आपका राशन कार्ड नहीं है तो आपको नहीं मिल पाएगा। ये मान लीजिए नहीं मिला महाराष्ट्र में, नहीं मिला, नहीं मिल रहा, इस वजह से मजदूर जो है वो पलायन करने में। और दूसरा एक पलायन का दूसरा रीज़न है कि लोगों को डर भी है यहाँ पे, क्योंकि केसेस इतना बढ़ रहा है यहाँ पे, तो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर संक्रमण होने पे यहाँ पे इलाज की सुविधा, जब सुन रहे हैं कि यहाँ पे धारावी के एक इंस्पेक्टर जो SI थे उनको इलाज होने में इलाज नहीं मिल पाया, इसकी वजह से उनकी जान गई, तो लोगों को इस बात का भी डर हो गया है, मन में एक भय भी बैठ गया है कि यहाँ पे जल्दी होने पे समस्या बहुत बिकट हो जाएगी और लोगों को रोज़गार नहीं है। पंकज जी, ये तो राशन की बात हुई। अच्छा ये बताइए, आप महाराष्ट्र में रहते हैं, ठीक है, आपने महाराष्ट्र की व्यवस्थाओं को देखा होगा, जाना होगा, कुछ इस पर प्रतिक्रिया दीजिए हमें कि वहाँ की व्यवस्थाएं किस प्रकार से हैं, ठीक चल रही हैं या फिर क्या रीज़न है जो उद्धव ठाकरे सरकार है वो संभालने में नाकाम रही है। कोरोना जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, कम लेने का नाम नहीं ले रहे। महाराष्ट्र में परिस्थिति ये है कि एक तो पहली बात आप भी मान लीजिए कि उद्धव सरकार के आए 6 महीने हुई है, ये तो सच्चाई है, उनको ज़्यादा मतलब सत्ता में रहे नहीं हैं, लेकिन उस समय भी कोरोना की मार आ गई, ये तो सब सब पूरा भारत का पूरा विश्व झेल रहा है,
लेकिन कई जगह काम हो रहा है, कई जगह काम नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे अभी हमारे पास गोरेगांव में ही यहीं पे 1034 बेडों का हॉस्पिटल जो बन रहा है, ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गया है, जिसमें 500 बेड ऑक्सीजन के हैं, 200 बेड वेंटिलेटर सपोर्ट है। आप अगर चाहिए तो मैं आपको उसका फ़ोटो वगैरह भी मेरे पास, मैं आपको सेंड कर दूँगा। काम 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 कर रहे हैं, हुआ है, लेकिन ये नहीं कर सकते कि पूरा तरीके से सफल ही हो गए हैं। कई जगह नहीं हो पा रही, इस वजह से पलायन भी हो रहा है, लोगों को खाना भी नहीं मिल पा रहा है। समस्या बड़ी है क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, यहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि मुंबई एक, मान लीजिए मुंबई में केसेस 60% ऑफ केसेस जो महाराष्ट्र के हैं उसमें 60% खाली मुंबई में ही हैं।